हो राजधानी। एक तरफ पुलिस थी, एक तरफ आपके भाई बहन बेटे खड़े थे। उन्होंने कहा कि अगर भाई मैं इस्तखारा कर रहा हूं, इस्तखारे के बाद उन्होंने कहा कि मुझे इस्तखारे में यह जवाब मिला कि आप कहीं जाओ मत, यानी गांव के बच्चे मर रहे, तू अपनी हिफाजत के लिए अल्लाह से रुजू हो रहे हो, इन कौम के बच्चों के बचाने के लिए अल्लाह से रुजू नहीं हो सकते थे कि अल्लाह मेरे इन बच्चों को कैसे बताऊं, तू मेरे दिल में इल्हाम कर दे। अभी आपने सुना होगा कि हाल ही में वो हजरत मौलाना उमराए महबूब रहमानी साहब के पास गए थे मुफ्ती इस्माइल, जब सोबत आई बच्चों का इलेक्शन था। ऐ मेरी कौम की पढ़ी लिखी, ऐ इस्लाम की आबरू रखने वाली बेटियों, मर्दों से ज्यादा तुम लोगों का दीन का दर्द है। हजरत मौलाना उमरान महबूबुर रहमान हजरत मौलाना उमरान साहब के पास गए, बहुत सारी बात हुई। मौलाना उमरान से वो पूछ रहे थे कि क्या आप इलेक्शन में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में आप इलेक्शन लड़ने वाले? मौलाना उमरान साहब जिन्हें कौम का दर्द है, जिन्हें मिल्लत का दर्द है, जिन्हें शहर की फिक्र है, उन्होंने कहा कि मैं अपने साथियों से मशवरा कर रहा हूं, अगर मशवरे में मेरे बहबाब ने अच्छी सलाह दी और मैं भी अपने सही मुतमईन हुआ तो पार्लियामेंट का इलेक्शन मैं लड़ूंगा। मुफ्ती साहब बयान फरमाते हैं कि मौलाना उमरान साहब ने मुझसे पूछा कि मुफ्ती साहब आप सियासत में आए तो आपको कैसा लगा सियासत में आने के बाद? तो ऐ मेरी मां बहन बेटियों, आप मोबाइल पर अपने बच्चों से वो तकरीर निकलवा लो, मेरी बात पर यकीन मत मानो, अपने घर के अपने बच्चों से भाइयों से वो तकरीर निकालो जो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने बयान किया कि मैंने, ये मुफ्ती साहब बोलते हैं कि मैंने मौलाना उमरान से कहा कि सियासत में आने के बाद मेरा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये है कि महीने में, दो महीने में, हर महीने दो महीने पर मैं हम सब के आका और मौला मुस्तफा जाने रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किया करता था। हर महीने दो महीने में कौन ज़ियारत करता था? मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल। मैं सियासत में आया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे ख्वाब में आना बंद कर दिए, मेरे ख्वाब में आना बंद कर दिए, अब मेरे ख्वाब में सरकार दो आलम नहीं आते। ऐ मेरी मां बहन बेटियों, ऐ मेरी कौम की आबरू बचाने वाली इस्लाम की मुकद्दस साहिबादियों, जरा आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि जब सरकार दो आलम किसी से नाराज होंगे तो ख्वाब में आना बंद करेंगे, और अगर से किसी से खुश होंगे तो जहां दो महीना ख्वाब में आते थे तो हर महीना आने लगेंगे अगर राजी होते तो। तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, अल्लाह ने आपसे बुलवा लिया कि कौन तो आपसे नाराज है लेकिन मुस्तफा जाने रहमत भी आपसे नाराज है, इसलिए आपके ख्वाब में आना बंद कर दिए। तो हमें एक आलिम को जीत और हार अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ने जितनी ताकत जितनी बेसाहत हमको दी है हम वही करेंगे। शान हिंद के लिए बहुत ज्यादा वफादारी में अतर अशरफी अपनी जान दे सकता है, उसे जिता नहीं सकता जब तक अल्लाह की तरफ से फैसला नहीं होगा। हम लोग अपनी बेसाहत पर शान हिंद के लिए कोशिश करें, जीत और हार अल्लाह की तरफ है, लेकिन जब आप वोट देने जाएंगे तो ये नियत कर लेना, इस पर अज्र मिलेगा आपको कि मैं शान हिंद को वोट दे
दे रही हूं, किसान हिंद कामयाब हो और एक मस्जिद का बहुत अच्छा इमाम, एक बहुत अच्छे मुफ्ती, एक बहुत अच्छे दर्स कुरान करने वाले, एक बहुत अच्छे ईदगाह के खतीब बर्बाद होने से बच जाए, उनकी आखिरत बर्बाद ना हो, रसूल अल्लाह उनसे जो नाराज है वो बच जाए, इसलिए हम सबको वोट देना है और साले हिंद को उस महाज पे भेजे है, उसकी वजह ये है। डायमंड कारपेट हमारे वहाँ कारपेट ग्रास हेटलोन रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफा बंगार बाजार डायमंड कारपेट।